प्रकार क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और जो प्रश्न है आज का वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, मतलब जो आपके NCF 2005 है उसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, दूसरा है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, तीसरा है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, और लास्ट है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो आपको जब मैंने NCF पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे आपका अगर अंक गणित की सिर्फ बात की जाए तो कभी भी ऐसी कोई बात NCF ने नहीं की किसी एक पॉइंट पे केंद्रित करते कि मतलब आप एक ही चीज़ पे ध्यान दें, उसने हर चीज़ की बात कही तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, तो ये हो सकता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसने कहा रुचि ना पैदा करे, अगर रुचि नहीं रहेगी तो कोई कैसे गणित पढ़ेगा। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ये भी हो सकता है क्योंकि तर्क क्षमता गणित से ही बढ़ती है और समस्या समाधान योग्यता का भी विकास होता है। फिर है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, तो ये संवेगात्मक विकास के लिए अन्य सब्जेक्ट्स की आपकी बात कही, लेकिन गणित से आपका संवेगात्मक विकास होता है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो आप कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे नज़दीक कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं कि तार्किक चिंतन और समस्या समाधान, क्योंकि समस्या समाधान के लिए ही हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और अगर NCF के लाइंस की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि NCF में गणित शिक्षण के जो उद्देश्य है उसमें तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता के विकास करने पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। अब रुचि पैदा करना है पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना कि तार्किक चिंतन और समस्या समाधान। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका सी है, जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना NCF 2005 में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है।